हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रैंडम स्पार्कल्स। मैं हूं गार्गी। सो एज माय चैनल नेम सजेस्ट, आई यूजुअली पोस्ट वीडियोस ऑन रैंडम स्टफ दैट आई डू। मोस्टली मेरी वीडियोस दे आर लाइफस्टाइल वीडियोस, व्लॉग्स, रैंडम स्टफ दैट आई डू, लाइफ एज अ मेडिकल स्टूडेंट एक्सेट्रा। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि आई थॉट व्हाई नॉट गिव अ थीम बेस्ड सीरीज ऑफ वीडियो। सो आई डेडिकेटेड अक्टूबर टू द किंग ऑफ फ्लावर्स, दैट इज रोजेस। Now you must be wondering कि इतने सारे तो flowers हैं, there are so many flowers out there like lilies and gobi ka phool, our national flower lotus, then there are orchids etc etc। अब इतने सारे फूल हैं, but still why only roses? Why I decided to dedicate a whole month to roses? Now okay, now the reason: roses are symbolic of love, romance and secrecy. Now roses are so versatile in nature, and but the problem is we are not using roses to its full potential. Basically roses, number one, they have amazing fragrance. Number two, they are anti-inflammatory. Number three, they are super hydrating in nature. They have like amazing hydrating properties. Number four, they are rich in antioxidants. And number five, they are super rich in vitamin C. इसके बाद भी ये छोटे छोटे beautiful flowers जो है ना, इनको हम सिर्फ normally decorative purpose के लिए use कर लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत use कर लेते हैं, but ये जो छोटे छोटे packets है ना, they are full on beauty regime material, they are full on health benefit material and they are full on decoration purpose का material. So don't underestimate roses. जब इतने अमेजिंग फ्लावर्स हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इनका फुल पोटेंशियल यूज़ किया जाए। तो इसीलिए आई हैव प्लान कि हम रोजेस के सारे ब्यूटी बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे और हम इनसे जो भी अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। चाहे खा लो, चाहे पी लो, चाहे लगा लो, चाहे स्टीम ले लो, कुछ भी कर लो, रोजेज आर जस्ट द बेस्ट। सो इसीलिए अपकमिंग वीडियोज में कुछ भी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज एक्सपेक्ट करना मुझसे, एंड यू विल बी अमेज कि हम रोजेज का कितना फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। सो टिल देन, बाय।